90 के दशक में हिंदी सिनेमा पर राज करने वाली एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर बिग बॉस के घर में एंट्री कर चुकी है। तो दोस्तों, आज की स्टार्स लाइफ स्टोरी की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिल्पा शिरोडकर के लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के बारे में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इनका रियल नेम शिल्पा शिरोडकर है और फुल नेम शिल्पा शिरोडकर रंजीत। प्रोफेशन से एक एक्ट्रेस और फॉर्मर फोटो मॉडल है। इनका जन्म 20 नवंबर 1973 को मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में हुआ था और आज 2024 के हिसाब से ये 51 इयर्स की हो चुकी है। बात करें अगर इनके फिजिकल स्टेटस के बारे में तो इनकी हाइट 5 फीट 5 इंच है। इनकी आईज का कलर ब्राउन और हेयर का कलर ब्लैक है। इनका रिलीजन हिंदू और इनकी नेशनैलिटी इंडियन है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनकी एजुकेशन के बारे में। इन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई मुंबई से पूरी की है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनकी फैमिली के बारे में। इनके फादर का नाम नितिन शिरोडकर है और इनकी मदर का नाम विनीता शिरोडकर है। इनकी एक छोटी बहन है जिसका नाम निमिरता शिरोडकर है, वो एक एक्ट्रेस है। और इनके ब्रदर इन लॉ का नाम महेश बाबू है, वो भी एक एक्टर है। बात करें अगर इनके मैरिटल स्टेटस के बारे में तो ये मैरिड है और इनके हस्बैंड का नाम अपरेश रंजीत है जो कि एक मर्चेंट बैंकर है, जिससे इनकी शादी 11 जुलाई 2000 को हुई थी। इनकी एक बेटी है जिसका नाम अनुष्का रंजीत है, जिसका जन्म साल 2003 में हुआ था। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनके कैरियर के बारे में। शिल्पा शिरोडकर ने 1989 में फिल्म भ्रष्टाचार से अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी, जिसमें इनके साथ मिथुन चक्रवर्ती और रेखा भी थे। फिल्म में इन्होंने एक अंधी लड़की का कैरेक्टर प्ले किया था। इन्होंने 1990 की हिंदी फिल्म किशन कन्हैया में एक्टर अनिल कपूर के साथ भी एक्टिंग की थी। साल 1991 में शिल्पा हिंदी फिल्म त्रिनेत्र और हम में नजर आई। इसके बाद इन्होंने और भी मूवीज में काम किया है जिनके नाम इस प्रकार से है, 1992 में खुदा गवाह, 1993 में आंखें, 1994 में गोपी किशन और 1995 में बेवफा सनम और 1999 में जय हिंद। साल 1992 में शिल्पा शिरोडकर को हिंदी फिल्म खुदा गवाह के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। इन्होंने एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के साथ 9 फिल्मों में एक्टिंग की और इनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी को ऑडियंस द्वारा खूब सराहा गया। शिल्पा शिरोडकर ने शादी के बाद एक्टिंग छोड़ दी थी और उनकी आखिरी फिल्म थी गजगामिनी जो कि साल 2000 में आई थी। लंदन में अपने परिवार के पालन पोषण के लिए 13 साल के ब्रेक के बाद वह साल 2013 में जी टीवी के टेलीविजन सीरियल एक मुट्ठी आसमान के साथ टेलीविजन पर लौटी। शिल्पा शिरोडकर इसके बाद कई टेलीविजन सीरियल्स में दिखाई दी, जैसे साल 2016 में सिलसिला प्यार का और साल 2017 से 2018 तक कलर्स टीवी के शो सावित्री देवी कॉलेज एंड हॉस्पिटल में दिखाई दी थी। साल 2020 में इन्होंने फिल्मों में वापसी की और फिल्म गन्स ऑफ बनारस में सपोर्टिंग कैरेक्टर में दिखाई दी। और अब साल 2024 में शिल्पा शिरोडकर टेलीविजन रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 18 में एज ए कंटेस्टेंट दिखाई दे रही है। यह शो जियो सिनेमा और कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होता है। वह एक फिटनेस प्रेमी है और नियमित रूप से जिम करती है। वह अक्सर सोशल मीडिया पर अपने जिम सेशन की तस्वीरें शेयर करती रहती है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनके घर के बारे में कि ये रहती कहाँ पर है। तो ये मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में रहती है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनकी कार कलेक्शन के बारे में। तो इनके पास कार है ऑडी A8। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनकी नेटवर्थ के बारे में। तो दोस्तों, अमर उजाला रिपोर्ट के अनुसार इनकी टोटल नेटवर्थ 237 करोड़ रुपए बताई जाती है। दोस्तों, ये थी शिल्पा शिरोडकर की लाइफस्टाइल और बायोग्राफी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।